بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मैंने फेसबुक और टिकटॉक के लिए फ्री आरटीपी का मेथड बताया था. जो फेसबुक के लिए था वो तो 100% ओके था, लेकिन जो टिकटॉक का था उसमें इशू आ रहा था. तो मैंने जो है ना उसका सोल्यूशन निकाला है. मैंने कल पोस्ट भी कर दी थी उसके, अभी मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ. और आज मैंने एक पोस्ट भी की है जिसने वो VPN लेना है वो जाके ले ले, पेमेंट सेंड कर दे, ताकि एक ही टीम के लिए जो है ना वो VPN बाय कर लें. उसके उसका फ़ायदा ये होगा कि आप मतलब तकरीबन 900 या 1000 रुपये जो है ना पर पर्सन आ रहे हैं. उसका फ़ायदा ये होगा कि 1000 रुपये में आप पूरे साल के लिए फ्री में फेसबुक भी यूज़ कर सकेंगे, मतलब काम कर सकेंगे उस पर, एड्स ऑन रील, इंस्टे वगैरह का, और टिकटॉक के लिए भी पूरा साल सिर्फ 1000 रुपये में, 900 रुपये 1000 रुपये में. तो ये आप लाजमी मेरा अकाउंट चेक कर लें. उसके ऊपर फेसबुक के लिए मैंने बना दिया, अब टिकटॉक के लिए मैं बना रहा हूँ कि टिकटॉक के ऊपर काम कैसे करना है वगैरह वगैरह. सबसे पहले तो ये है कि जो टिकटॉक के लिए है ना वो ब्लू स्टेक आपने डाउनलोड करना है. ब्लू स्टेक का ये मैं ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूँगा, वहीं से आपको लिंक मिल जाएगा ये, ठीक है. यहाँ से आपने जाके ब्लू स्टेक डाउनलोड करना है और उसके बाद जाके आपने इंस्टॉल वगैरह उसको करना है. इंस्टॉल में टाइम लगता है, तो बहरहाल मैंने इसको पहले से ही करके रखा है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे. तो मैं शुरू करता हूँ, मल्टी इंटेंस में मैं आता हूँ. अच्छा देखो आपने ना यहाँ पे इंटेंस क्रिएट करने हैं, इसको लाजमी गौर से सुनना. फ्रेश इंटेंस में मैं आऊँगा और आपने 64 बिट में या आपने ना इसको क्रिएट करना नहीं हो. उसके बाद है ये 4 कोर इनहेंस 4GB और लैंडस्केप में ये, तो आप इसको पोर्ट्रेट में कर दें. पोर्ट्रेट से मरा दिए कि मोबाइल शेप में ये आपको शो होगा. उसके बाद है हाई परफॉर्मेंस, ठीक हो गया. हाई परफॉर्मेंस जब आपने ये सेटिंग करनी है, इसको दोबारा से चेक कर लेना. उसके बाद आपने क्रिएट करना है. अब ये क्रिएट हो चुका है. क्रिएट होने के बाद मैं इसको ओपन करूँगा. अब ये इस तरीके से जाना, ये ओपन हो जाएगा. अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा ये इसको होने में, तब तक मैं आपको बता देता हूँ. देखो इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से देखना है और अच्छे तरीके से इसको करने की कोशिश करनी है. और इसमें सर्फशार्क VPN यूज़ करना है. अब देखो फेसबुक के लिए LD प्लेयर वाली मैंने सेटिंग ऑलरेडी बताई हुई थी, और टिकटॉक के लिए ब्लू स्टेक, क्योंकि ये दोनों एक उसमें नहीं चल रहे, तो इस वजह से टिकटॉक के लिए ब्लू स्टेक और फेसबुक के लिए LD प्लेयर, दोनों की सेटिंग आपको बता दी है. और आप इसको करना है, इंशाल्लाह मज़े करेंगे आप. RDP हर महीने जो 10,000 11,000 12,000 11,000 तो मैं देता था. 7-8 महीने से एक RDP यूज़ कर रहा था. उससे पहले तकरीबन RDP मुझे यूज़ करते हुए 2.5 साल से 3 साल हो गए. तो लेकिन ये कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज मेरी RDP ख़त्म हो जाएगी, मैं उसको रिन्यू नहीं करवाऊंगा. उसकी वजह कि मुझे टिकटॉक के लिए भी मेथड मिल चुका है और फेसबुक के लिए भी. और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा यह है कि आपको IP वगैरह चेंज नहीं करनी पड़ती. ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है, ठीक हो गया. अच्छा ये रिचार्ज की बात कर रहे हैं. जब ये आपने ओपन कर लिया ना, तो आपके पास ये ऐप वगैरह होनी चाहिए. इनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा यूट्यूब के, ठीक है. आप चेक कर लेने जा रहे. सबसे पहले मैं टिकटॉक को करूंगा, उसके बाद मैं सर्फशार्क को करूंगा. यहाँ पे दो चीज़ें आपने ऐड करनी है. अच्छा ये देखिए मेरे पास सर्फशार्क भी इसमें आ चुका है और टिकटॉक भी आ चुकी है. सबसे पहले मैंने सर्फशार्क VPN को ऑन करना है और सबसे पहले इसको लॉगिन करना है. लॉगिन करने के लिए आपके पास पहले किसी और जगह ये टिकटॉक यानी सर्फशार्क है ना, ये लॉगिन होना चाहिए. तो आपने इस ऑप्शन पे जाना है, लॉगिन इन अदर डिवाइस. जो मैं आपको VPN दूंगा उसमें भी सेम टू सेम ना कोड के जरिए लॉगिन होगा. तो आपने कोड के ऊपर क्लिक करके उसका कोड कॉपी कर लेना है. मैं यहाँ पे आऊँगा, मैंने एक जगह ये लॉगिन किया हुआ है, इसके अंदर आके मैंने इसको लॉगिन करना है. ये कोड यहाँ पे करना है और ये ईजीली लॉगिन हो जाएगा, ठीक हो गया. ये डन. और यहाँ पे मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे भी ये डन हो चुका है. अब ये देखेंगे टाइम टू अपडेट, ये ऐसे आता है, इसको आपने इग्नोर कर देना. सबसे पहले आपने एक लोकेशन सेलेक्ट करनी है. अगर आपने US का करना है, US का अकाउंट बनाना है, तो आप US की लोकेशन सेलेक्ट करें. अगर आपने कोई UK का बनाना है तो आप उसकी सेलेक्ट करना है. तो मैं ये एक VPN ये मैं लोकेशन में सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं डन करता हूँ. अभी ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया. उसके बाद आपने इसको कट करना है. अब सबसे पहले आपने VPN की सेटिंग करनी है. VPN सेटिंग में आपने जाना है और ऑटो कनेक्ट इसको इनेबल करना है. क्लीन वेव इसको कनेक्ट इसको करना है और VPN किल स्विच इसको भी करना है. और साथ ये सबसे अहम है एंड्राइड किल स्विच, आपने इसके ऊपर आना है. उसके बाद आपने जाना है ऑलवेज VPN ऑन और ब्लॉक कनेक्शन विदाउट VPN, ठीक होगी. इनको लाजमी आपने इनेबल करना है, याद रखें, क्योंकि इसके बगैर काम होगा नहीं. इस सेटिंग को अच्छे तरीके से आपने देख लेना, ठीक हो गया. VPN की सेटिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है. अब मैंने आना है टिकटॉक, सबसे पहले बल्कि टिकटॉक को बाद में ओपन करना है. पहले एक चीज़ और करनी है इसकी.
टिकटॉक मैंने बंद करना, इसको मैंने क्लोज करना पहले, ठीक हो गया। पहले मैंने टिकटॉक पे थोड़ा सा प्रेस करके ना ऐप इन्फो पे जाना है, ये ऐप इन्फो पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आपने परमिशन देनी है इसको लोकेशन की, ताकि ये यूएस की लोकेशन पिक कर ले, ठीक हो गया। सिर्फ उसकी करनी, ये मैंने दे दी। अब मैं अच्छा, ये मैंने एमुलेटर के अंदर सर्फशार्क वीपीएन भी इंस्टॉल कर लिया और टिकटॉक भी इंस्टॉल, का मतलब ये है कि मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, तो यहाँ पे दोनों आ चुके हैं। वीपीएन की सेटिंग मैंने कर दी है और अब मैं टिकटॉक अकाउंट बना के आपको दिखाऊंगा। वीपीएन की सेटिंग ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले मैं टिकटॉक को ओपन करूँगा, उसके बाद यहाँ पे मुझसे ये मांग रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो मैंने इसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है, आपने एक्यूरेट रखनी है जो आपकी बनती होगी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे ईयर लिखना है, आपने हमेशा जो आपकी एक्चुअल में जो बर्थडे है ना आपने वो लिखनी है यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट करना है। अच्छा, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ईमेल पे जाऊँगा, ईमेल नहीं, ये तो लॉगिन का है ना, एक मिनट सॉरी, ये साइनअप पे मैंने जाना है अकाउंट बनाने के लिए, जैसे बात है साइनअप पे जाना है। अब यहाँ पे ये फ़ोन नंबर है और यहाँ पे ईमेल है, तो मैंने अब यहाँ पे लिखनी है ईमेल। अच्छा, ये मैंने लिख ली, उसके बाद पूरी ईमेल लिखने के बाद मैंने इसको नेक्स्ट करना है और यहाँ पे एक पासवर्ड लिखना है मैंने। पासवर्ड आपने वो लिखना है जो ये टिक हो जाए, मतलब इसमें करेक्टर भी हो, स्पेशल करेक्टर भी हो और नंबर भी हो। उसके बाद मैंने इसको करना है नेक्स्ट। यहाँ पे एक वेरिफिकेशन आएगी ये इस टाइप की, तो आपने इसको सेट करना होता है इस तरह। उसके बाद यहाँ पे आप नाम लिखे ना लिखे, मैं अभी फ़िलहाल नाम कुछ नहीं लिख रहा और मैं डायरेक्टली इसको करता हूँ। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि आया बीटा प्रोग्राम ऑप्शन आया है या नहीं, तो क्रिएटर टूल में जाके मैं चेक करता हूँ। अभी थोड़ा सा ये लोड होगा, उसके बाद अच्छा ये देखो, ये बीटा प्रोग्राम ऑप्शन आ गया यहाँ पे, ये मतलब डिफरेंट है, हमें ये ऑप्शन चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ पे आ चुका है। अब आपके सामने ये वीपीएन की सेटिंग मैंने की है और उसके बाद ये आपके सामने ये अकाउंट बना के मैंने दिखाया, ठीक हो गया। अब एक चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने अपनी ईमेल को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आप जाएं अकाउंट में, अकाउंट में जाके आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन में और यहाँ पे ईमेल, ठीक हो गया, इसको वेरीफाई करें। वेरीफाई पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सेंड कोड का ऑप्शन आएगा आपको, तो जो ईमेल मैंने दी हुई उसके ऊपर कोड आ गया और मैं उसको लिखता हूँ। ये ईमेल वेरीफाई हो चुकी है, तो ये फायदा है एमुलेटर का कि आप फ्री में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक ही वीपीएन से आप फेसबुक भी चला सकते हैं और टिकटॉक भी चला सकते हैं, अब आरटीपी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेथड है आपके सामने, तो मैं अभी इसको इंशाल्लाह बना के ये वीडियो मैं अभी अपलोड करूँगा यूट्यूब के ऊपर, वहाँ से डिस्क्रिप्शन में आप लिंक ले लेना, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये समझ आ जाएगी। वीडियो को आप अच्छे तरीके से देख लेना ताकि आपको ना हर एक चीज़ का पता चल जाए, कोशिश यही करना कि आपको हर एक चीज़ का पता चल जाए।